है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ स्प्रिंग ऑनियन की पकौड़े। बहुत ही टेस्टी बनती है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में मिलती है, तो आप ज़रूर बनाएं इसके पकौड़े। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग ऑनियन की पकौड़े। यहाँ पे मैं 200 ग्राम स्प्रिंग ऑनियन ली हूँ, इसे सागा प्याज भी कहते हैं। इसे अच्छे से साफ करके धो ली हूँ। एक बड़ा प्याज लें, एक हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से काट लें, बीच से मैं कट कर लूँगी। पहले सफ़ेद प्याज को भी साथ में काट लें। मेरे यहाँ पे सफ़ेद प्याज छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं सब साग के साथ ही कट कर लूँगी। इस तरह से काटने से आसान रहता है और बारीकी से चॉप होती है। सगा प्याज काट ली हूँ, अब इसे साइड कर दें। अब प्याज काट लेंगे। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। हरी मिर्च काट ली हूँ, इसे अब एक पतीले में डाल दें। प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, हरी मिर्च, इन सबको डाल दें। चॉप किया हुआ धनिया पत्ता भी डालें, इसे टेस्ट और अभी अच्छा आता है। ज़रूरत के अनुसार बेसन डालें। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार डालें। अब इन सबको अच्छे से मसल मसल के मिला लेंगे, ताकि प्याज का जो मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाए। फिर हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के मसल मसल के फिर से मिला लेंगे। यहाँ पे मैं और बेसन डालूंगी, आप ज़रूरत के अनुसार बेसन डालें, ताकि बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। मिक्सर अब रेडी है, देख सकते हैं बाइंडिंग भी हो रही है अच्छे से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई, अब हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गई है, छोटे छोटे पकौड़े के बॉल्स डालेंगे। तेल में जितना एडजस्ट हो जाए उतने ही पकौड़े डालें। पकौड़े को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, ताकि पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने। एक साइड से फ्राई हो चुकी है, इसलिए मैं अब पलटी कर दे रही हूँ। पकौड़े में गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह फिर से पकौड़े के बॉल्स डालेंगे। अब इसे पलटी कर दे। अब सारे पकौड़े को अच्छे से चला लेंगे। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गई है, पकौड़े को निकाल के अब प्लेट में मैं डाल दूंगी। हाँ, देख सकते हैं पकौड़े कितने क्रिस्पी बनी है। इस तरह की पकौड़ी आप अपने घर में जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये फ्राई किया हुआ हरी मिर्च है, आप चाहे तो फ्राई किया हुआ हरी मिर्च के साथ खा सकते हैं, या फिर टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं।
अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।